तो नमस्कार दोस्तों, और बताएं कैसे हैं आप। देखिए, मैं आप पहुंची हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार में ये रूम में रुके हैं, नकलक धाम में, और यहाँ पे मेरे साथ और भी फैमिलीज़ हैं, तो हम लोग साथ मिलके यहाँ पे दर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी धर्मशाला बन चुकी हैं, देखिए। ये स्टेशन से करीबन 8-10 किलोमीटर दूर पे ये सारी धर्मशालाएं बनी हैं, और बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे आके रुक सकते हैं। ये देखिए, सामने से व्यू भी बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो नैनीताल जाते हुए हम रास्ते में रुके थे चाय पीने के लिए। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया लॉन बना हुआ था, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ, और फ्लावर की तो इतनी वैरायटी थी, बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही पसंद आया। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह नैनीताल की अच्छी सी मॉर्निंग के साथ ये मेरे होटल का व्यू है। देखिए, फ्रंट साइड का नैनी झील का। गुड मॉर्निंग, कैसी लगी नैनीताल की सुबह? बहुत ठंडी, बहुत अच्छी। अभी तो अप्रैल का चढ़ गया आज। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, तो निकल रहे हैं अभी हम लोग भीमताल के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी खड़ी है।
हाँ जी, तो ये क्लिप भीमताल में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं वहाँ की है। और भीमताल में उसके अंदर में एक बहुत ही अच्छा आइलैंड है जहाँ पे 10 तरह की फिशेस रखी हुई हैं जो वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 100 रुपये एंट्री फीस है। खूब सारी डग्स, पंछी और बहुत सारा कुछ वहाँ पे देखने लायक है। और बहुत ही सुंदर व्यू भी है। बोटिंग करके बहुत ही मज़ा आता है। अभी चेकआउट किया है यहाँ से हमने, नैनीताल से। हाँ जी, तो रानीखेत जाते हुए रास्ते में नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम मंदिर आता है, जहाँ पे बाबा नीम करौली जी ने तप किया था। बहुत ही माना हुआ धाम है और आज पहला नवरात्रा है और माँ के दर्शन कर रही हूँ। यहाँ पे कैंची धाम में श्री हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है और माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। बाबा नीम करौली जी का वहाँ पे स्थान है, वही सब देख रहे थे हम। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही सुकून था। अंदर तो कोई पिक लेने नहीं देते।